नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के बद्दी में स्थित भारत सरकार के संस्थान सीपेट में, जो कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार की मदद से 2015 में स्थापित हुआ था। वर्तमान में संस्थान एक रेंटेड बिल्डिंग झाड़माजरी में चल रहा है। सीपेट बद्दी एक ISO प्रमाणित तथा AICT से अनुमोदित संस्थान है और यह प्लास्टिक प्रशिक्षण केंद्र NABL, ISO और BIS द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। सीपेट बद्दी में चार तरह के विभाग हैं: प्रोसेसिंग, टूल रूम, डिज़ाइन कैड कैम, टेस्टिंग व लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। चलिए आपको ले चलते हैं संस्थान के अलग अलग विभागों में। सीपेट बद्दी का प्रशासनिक कार्यालय, चलिए आपको मिलवाते हैं सीपेट बद्दी के निदेशक एवं प्रमुख जी से। सीपेट का जो ये जो कोर्स करती है उसको डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सब स्पॉन्सर करती हैं। और ये जो कोर्स है 3 से 6 महीने का, वो पूर्णतः निशुल्क होता है। और इवन यह जो भी जो छात्र छात्राएं यहाँ कोर्स करने के लिए आती हैं, इनको यहाँ पे रहने की और खाने की मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं। इनको किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं देना पड़ता। तो गांव के जो गरीब लड़के हैं, पिछड़े वर्ग के जो तबके के जो लोग हैं, वो आके इस कोर्स को करते हैं। और इस कोर्स की खूबी ये है कि ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्स है। और इसको करने के बाद जो भी प्रशिक्षार्थी यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें 100% प्लेसमेंट मिल रहा है। बद्दी में बहुत सी प्लास्टिक्स और बाकी इससे रिलेटेड यूनिट्स हैं, इस यूनिट्स में उनको आराम से नौकरी मिल जाती है। अगर और कोई अगर बाहर भी जाना चाहता है तो दिल्ली है और गुड़गांव साइड और जो इंडस्ट्रीज और जहाँ जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर भी इनको हम प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं। और जो लड़के कुछ बाहर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, उनको भी हम मदद कर रहे हैं कि बाहर किस प्रकार से जाए, कैसे जा सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। इसके अलावा सीपेट टेक्निकल सर्विसेज प्रदान करता है, जिसमें हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग में काफ़ी काम करते हैं। हम इंडस्ट्रीज़ के लिए और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए मोल्ड बनाते हैं, डाइज बनाते हैं, जॉब वर्क करते हैं। और जो हमारी टेस्टिंग लैब है, प्लास्टिक टेस्टिंग लैब है, यह NABL और BIS से अप्रूव्ड लैब है। इंटरनेशनली अप्रूव्ड लेबॉरेटरी से जो भी टेस्ट रिपोर्ट जो निकलते हैं, टेक्निकल सर्विसेज इंडस्ट्रीज को लगातार प्रदान करता है। सीपेट बद्दी में बहुत से मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं प्रोसेसिंग की। हमारे पास CNC की काफ़ी मशीन्स हैं, टूल रूम में CNC मिलिंग, CNC लेथ, EDM वायर कट। तो प्रोसेसिंग में हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्शन वर्क करते हैं। उनके वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमें मटेरियल देते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी नहीं हो पाती है पूरी तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन का काम करके उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए ऐसे ही प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में जो मोल्ड और डाइस का जिन इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट होता है, ये सब जितने भी CNC मशीन्स पे लेके हम उनका काम करते हैं और जॉब वर्क भी करते हैं। हमारा जो प्लास्टिक टेस्टिंग लेबॉरेटरी है वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड लैब है, जो NABL से अप्रूव्ड है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी हमें रिकॉग्नाइज किया हुआ है टेस्टिंग करने के लिए। तो हम विभिन्न सरकार की जो संस्थाएं हैं और विभाग हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, PHED है, इन सब के बिहाफ में हम टेस्टिंग करते हैं। और सीपेट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करता है, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं गवर्नमेंट जो परचेस करती है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करता है। अब हम आ गए हैं सीपेट बद्दी के प्रोसेसिंग विभाग में,
जहाँ ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे प्रोसेसिंग के इंचार्ज के रूम में। अब हम आ गए हैं सिपेटबंदी के टेस्टिंग विभाग में, चलिए आपको मिलवाते हैं टेस्टिंग विभाग के प्रमुख से। सिपेट प्लास्टिक टेस्टिंग सेंटर बंदी में प्लास्टिक रिलेटेड और प्लास्टिक रॉ मटेरियल रिलेटेड टेस्टिंग की पूरी फैसिलिटी है। सिपेट बंदी टेस्टिंग लेबोरेटरी एनएबी एक्रेडिटेड है, इसके अलावा वो बीआईएस से भी रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जो भी प्रोडक्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट परचेस किए जाते हैं उसका गुणवत्ता निर्धारण के लिए हमारे पास सैंपल्स आते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक टेस्टिंग रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए बद्दी एरिया में जो भी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है वो गुणवत्ता के लिए हमारे पास सैंपल भेजे जाते हैं। हमारे पास जो भी फैसिलिटी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और अद्यावत उसमें क्वालिटी का निर्धारण किया जाता है। प्लास्टिक का टाइप है जो इसको हम लोग पहले कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम मोल्ड को डिजाइन करेंगे। जो डिजाइनिंग करेंगे वो हमारे स्टूडेंट लोग भी सीखेंगे डिजाइन कैसे करते हैं। और ये हमारा मोल्ड का डिजाइन है, यहाँ पे बना हुआ है। इस टाइप का हम लोग डिजाइन करने के बाद फिर जिस टाइप का जॉब हो, मिलिंग का हो, तो सीएनसी मिलिंग में हम लोग मशीनिंग करेंगे। ये कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करके फिर हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद हम सीएनसी मशीन पे इसको मटेरियल कटिंग करने के लिए हम लोग सेंड करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे सीपेट के नाम से जाना जाता है, यह रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 1968 में चेन्नई में हुई थी, जहां सिपेट का मुख्यालय भी है, और आज देश भर में इसके 37 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं एवं 5 केंद्रों के स्थापना का कार्य चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सिपेट की स्थापना 2015 में बद्दी में हुई थी, जिसमें भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की 50-50% भागीदारी है। सिपेट की जो मुख्य बिल्डिंग के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 एकड़ जगह दी है, और अभी सिपेट यहाँ बद्दी में एक रेंटेड शेड में काम कर रहा है। सिपेट का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्रीज़ के लिए मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर देना है, एवं साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को टेक्निकल सपोर्ट देना है। जो मैन पावर सप्लाई करने के लिए हम दो प्रकार के कोर्स सिपेट में चलाते हैं। एक लॉन्ग टर्म का कोर्स होता है, जो डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें हम 3 साल का डिप्लोमा 10th के बाद लेते हैं, और बीएससी के बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हम चलाते हैं। ये जो कोर्स है इसमें हिमाचल प्रदेश के लड़के लड़कियाँ ज्वाइन करती हैं। इसके लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई सिपेट का होता है। आज मैं आपसे यह शेयर करते हुए मुझे खुशी है कि इसका जो टेस्ट जो होने वाला है सिपेट का वो नेक्स्ट मंथ है, और 31 जुलाई तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं,
सिपेट के जेई सिपेट में एडमिशन लेने के लिए वो सिपेट जेई एग्ज़ाम दे के अपना एडमिशन ले सकते हैं। सिपेट का जो कोर्स है पूर्णतः प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और हमारे यहाँ पे जो जितनी भी इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड मशीन है, जहाँ मशीन इंडस्ट्रीज में लगी है वो मशीन यहाँ पे लगी हुई है और इसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जो मशीन्स हैं वहाँ पे हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा सिपेट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है